भाई ये ईशा का वक्त है, चलो पढ़ो नमाज। मैं पढ़ रहा हूँ, आप जाओ, मैं बाद में पढ़ूंगा। आप हमेशा यही बोलते हो लेकिन फिर पढ़ते नहीं हो, क्यों? मेरे पास एक प्लान है। क्या प्लान है? मैं सोच रहा हूँ मैं पक्का दीनदार बनूंगा जब बड़ा हो जाऊंगा, लेकिन अभी कुछ हासिल करूंगा, अभी मैं पढ़ाई पे फोकस कर रहा हूँ। क्या आप कियामत के दिन साए में होंगे? क्या मतलब है आपका? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन अल्लाह के अरश के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा, लेकिन 7 शख्स अल्लाह के अरश के साए में होंगे। उनमें एक वो शख्स है जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी हो। चलो पढ़ते हैं नमाज। चलो पढ़ते हैं नमाज।